पेपर है, लिमिटेशन एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। वर्तमान समय में मैं लिमिटेशन एक्ट पर डिस्कस कर रहा हूं। पिछले सेशन में सेक्शन एक के बारे में हम आप डिस्कशन किए। आज हम सेक्शन 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार कॉल ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद लिमिटेशन पीरियड यह चालू हो जाता है, रनवे में आ जाता है, वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। बाद में उसके बाद कोई भी लीगल डिसेबिलिटी या एबिलिटी में कोई अगर ऐसी बात आती है, इसके बावजूद भी वो लिमिटेशन पीरियड अगर चल गया वो रुकता नहीं है। इसको हम एक साधारण उदाहरण के समक्ष समझते हैं। जैसे ये क्या था, माइनर था और दो साल बाद 2 ईयर्स के बाद क्या हुआ, वो बॉडी हो गया, एडल्ट हो गया, ठीक। 2 साल बाद जो लीगल डिसेबिलिटी थी एक ही माइनर होने की, वो 2 साल बाद समाप्त हो गई। कोई सूट का नाम एक्शन जैसे ही वो 18 साल का हुआ, ठीक ना, वैसे ही काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया और लिमिटेशन पीरियड जो है वो चालू हो गया। मान लीजिए 1 साल तक कोई सूट उसको फाइल करना था जिसका लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर था, कितना था, 3 ईयर, ठीक। कोई सूट फाइल करना था, ठीक, जब तक वो माइनर था तब तक वो लीगल डिसेबिलिटी के अंतर्गत था। जैसे वो 18 ईयर हुआ, 18 ईयर हुआ, वैसे ही ये माइनर जो था वो बालिग हो गया, एडल्ट हो गया और इसकी जो लीगल डिसेबिलिटी थी वो सीज्ड हो गई 2 साल बाद। और कोई सूट फाइल करना है तो यहां से ही जैसे ही वो 18 ईयर का हुआ वैसे ही काजा एक्शन से लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया। मान लीजिए 1 ईयर वो कुछ नहीं किया, ठीक, 1 ईयर वो कुछ नहीं किया, कोई सूट फाइल नहीं किया और उसके बाद वो जो है इंसेन हो गया, इडियट हो गया, इंसेन हो गया या इडियट हो गया, ठीक, क्या हो गया, इंसेन, ठीक। तो जो पीरियड उसके एडल्ट होने पर 18 ईयर होने पर चालू हो गया वो पीरियड लिमिटेशन का अब रुकेगा नहीं, वो चलेगा, वो रुक नहीं सकता और वो लिमिटेशन पीरियड जब समाप्त हो जाएगा कोई सूट और एन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता। ये सेक्शन 9 कहता है एक बार जब लिमिटेशन पीरियड का वो जो है पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो चीज रुक नहीं सकती है बाद के किसी भी कारण, ठीक है ना। आप ये सेंस जो है आपके
बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है एक बार उसका हम उदाहरण दे देते हैं। वेयर वंस टाइम है बिगन टू रन टू सब्सिक्वेंट डिसएबिलिटी आर इनएबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ए सूट आर मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट। इसका मतलब है कि इनविलिटी मतलब क्या होता है, जैसे काज या एक्शन अराइज हो गया, लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया और उस पीरियड के अंतर्गत वो आदमी अत्यंत गरीब रहा, क्या रहा, गरीब रहा, उसके पास पैसे नहीं थे या वो बीमार हो गया, ठीक, बीमार हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। लेकिन जब काज आप ऐसा अराइज हो गया और लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो इन सब कारणों से उसका लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा, वो समय सीमा जो है वो घटती ही चली जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब यह है, एक सिंपल सा उदाहरण, हवाई जहाज रन वे पर अगर दौड़ लगा दिया तो उसको उड़ना ही, आप देखते हैं रन वे पे अगर हवाई जहाज रन वे पे दौड़ लगा दिया तो वो उड़ेगा ही। उसी टाइप का एक सेक्शन आपका 9 है। उदाहरण स्वरूप जैसे ये कोई पहाड़ी है, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, यहां एक भारी भरकम पत्थर यहां से ये स्थापित हुआ और इधर को चल दिया, ये रुक सकता है, नहीं रुक सकता, इसको तो सीधे यहां पर ठाने आता है, कोई भी अवरोध इसको रोक नहीं सकता, ठीक ना, इसलिए क्योंकि ये ठाक है, इसीलिए लिमिटेशन पीरियड किसी भी जो है स्थिति में रुक नहीं सकता और वो घटता ही चला जाएगा, एक बार रनवे में आ जाए, ठीक ना। सेक्शन 9, हमारी समझ से ये कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट क्या है। लेकिन ये प्रोविजन जो है केवल सूट और एप्लीकेशन में ही लागू होती है, जिस तरह हमने बताया था कि सेक्शन 5 केवल अपील एंड एप्लीकेशन में अप्लाई होता है, उसी तरह ये सेक्शन 9 सूट और एप्लीकेशन में ये जो है अप्लाई होता है। अब इसका एक अपवाद क्या है, अपवाद, अपवाद क्या है, सेक्शन क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको पहले मैं सारे बाद में आप समझाता हूं। जैसे ए है, ए ने बी को क्या दिया, 5 लाख रुपया, 2, 3, 4 एंड 5, क्या हुआ, 5 लाख रुपया कर दिया, क्या दिया, ऋण दिया, ठीक। और ये जो है मर जाता है, तो इसके जो लीगल हेयर्स हैं ये है, ठीक, 5 लाख रुपया ए के द्वारा बी को दिया गया, ठीक, इस तरह से। और इन्होंने, इसके पूर्व इन्होंने एक वसीयत लिखा था इन लोगों के पक्ष में, क्या लिखा था, वसीयत के पक्ष में, ये लोग माइनर, ठीक है ना, कोर्ट में ये लोग गए वसीयत को एग्जीक्यूशन के लिए इसके मरने के बाद, तो कोर्ट ने जो है देखा कि अभी ये लोग क्या है, माइनर है,
और इसकी जो प्रॉपर्टी की देख रेख करके लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया किसको नियुक्त कर दिया प्रशासक नियुक्त कर दिया किसको नियुक्त कर दिया बी को ठीक है ना बी को किस पूरी प्रॉपर्टी के देख रेख के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया जब तक ये प्रशासक नियुक्त रहेंगे जब तक ये स्पंदियत हैसियत के रूप में स्थित रहेंगे तब तक इसकी वसूली का आज इनके खिलाफ सस्पेंड रहेगा लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड रहेगा जब तक ये पदवी हैसियत आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एक ही प्रॉपर्टी के रूप में रहेंगे तब तक उनका जो ये है वसूलने का अधिकार किसको इनको तब कि 5 लाख रुपया जो दी दिए हैं इनको वसूलने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो सस्पेंड रहेगा वो सेक्शन 9 के द्वारा प्रभावित नहीं होगा ठीक ये है आपके सेक्शन 9 का एक अपवाद ये क्लियर कोई दिक्कत हो कॉन्सेप्ट में जो ही ये प्रशासक नियुक्त किए गए और इनके आगे सूट दाखिल कर रहा है इनको इनको लीगल हेयर इसके एक तो जब तक ये प्रशासक रहेंगे तब तक लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड रहेगा और सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा और जैसे ही ये प्रशासक तक छोड़ेंगे इनके अगेंस्ट ये लोग जो है 5 लाख का भी होगा सूट फाइल कर ये हो गया अपवाद कॉन्सेप्ट क्लियर ओके नेक्स्ट सेक्शन आता है 10 नेक्स्ट सेक्शन 10 लिमिटेशन एक्ट अब लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 10 क्या चीज है इसके बारे में आपको हम बताते हैं ये डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है एक बार मैं आपको सुनाता हूं उसके बाद उसको डिफाइन करता हूं डिस्कशन करते हैं उस चीज पर सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन फॉर गोइंग इस तरह से पेयर एक्ट जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट रूप से बताती है कि सेक्शन 10 कहां लागू होगा सेक्शन 10 वहां लागू होगा ट्रस्ट के ट्रस्टी की अंगेज ट्रस्टी और उनके जो विधिक प्रतिनिधि है रिप्रेजेंटेटिव है उनकी अंगेज सूट कभी भी फाइल किया जा सकता है उसके लिए लिमिटेशन का जो प्रोविजन है वो लागू नहीं ठीक वो बाद सीमा जो होती है लिमिटेशन पीरियड वो उससे बाधित नहीं होता क्या नहीं बाधित होता बाधित नहीं है इसके खिलाफ सूट फाइल करने के लिए ट्रस्टी और उनके लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव उनके अगेंस्ट मुकदमा कभी भी ना कर सकता लिमिटेशन एक्ट प्रभावी उसमें नहीं है ठीक ना
सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि बाहर, देश के बाहर, कंट्री के बाहर, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप सेक्शन 11 लिमिटेशन एक्ट का आशय यह है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई संविदा कहां होती है, देश के बाहर होती है, देश के बाहर, ठीक, देश के बाहर होती है। इसमें मान लीजिए ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच में संविदा होती है और उस संविदा को संदर्भ में सूट इनको दाखिल करना है, वो आ गए नाम इंडिया, कहां आ गए, भारत में आ गए। तो सूट मान लीजिए दाखिल करने का पीरियड 3 ईयर, ठीक है ना, और जहां इनका संविदा हुआ है वहां 5 ईयर सूट दाखिल करने का लिमिटेशन पीरियड है, यहां कितना है 3 ईयर। तो अगर यहां ये सूट फाइल करेंगे, अगर यहां वो सूट फाइल करेंगे तो उनको ये प्रोविजन मानना पड़ेगा, इंडियन की जो लिमिटेशन एक्ट है ये प्रोविजन इनके लिए लागू होगा। और संविदा कहां हो रहा है, बाहर, लेकिन अगर ये सूट यहां फाइल करते हैं तो ये इनको जो है लिमिटेशन एक्ट का 3 ईयर यही जो है लागू होगा। ओके,